देश के 140 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष की सभी पार्टियों ने संयुक्त रूप से देशभर में विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में झांसी में भी शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ऐतिहासिक संख्या में सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतर आया। इस दौरान सभी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि पूरे देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए जनता सड़कों पर है। देश के चुने हुए 146 सांसदों को बिना किसी कारण से निलंबित किया गया। 100 लोकसभा और 40 राज्यसभा के सांसदों को अकारण संसद से निलंबित करना हिटलरवादी सोच है। यह देश के जनतंत्र का अपमान है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि संसद पर हमला करने वालों को अंदर प्रवेश कराने वालों पर कार्यवाही ना करके जो संसद की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं उन 146 सांसदों को निलंबित करके सत्ता में बैठे लोगों ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने ज्ञापन देकर सरकार को आगाह किया है कि लोकतंत्र की बहाली की जाए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आप पूरे देश की गतिविधियां देख रहे हैं कि संसद में तानाशाहीपूर्ण रवैये के साथ जिस तरीके से हमारे माननीय सांसदों का निलंबन किया गया, लोकसभा से लगभग 100 सांसदों का और राज्यसभा से लगभग 46 सांसदों का, 146 जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको तानाशाहीपूर्ण रवैये से संसद की कार्यवाही से निलंबित करके उन्हें अपनी बात कहने से वंचित किया गया। और कारण क्या था आप सब जानते हो, जो संसद पे पिछले दिनों हमला हुआ उस हमले में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा उन लोगों के पास बनवाए गए थे उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सभी विपक्ष के सांसद उस पर चर्चा करने के लिए मांग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन चूंकि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग लोगों का ध्यान परिवर्तित करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे पर लोगों का ध्यान ना जाए, तमाम प्रकार की नई नई बातें खड़ी करके कहीं उपराष्ट्रपति जी को जो है मोहरा बना करके, कहीं जो है संसद में तमाम प्रकार की नई नई बातें करके इस तरीके से लोगों का ध्यान जो है परिवर्तित करने का लगातार प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से संसद पे हमला हुआ और जिस तरीके से लोगों पे हमारे सांसदों का निलंबन हुआ, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपनी बात को नहीं कह पाए और अपनी बात नहीं रख पाए। और आज जो है पूरे देश में लोगों ने ये महसूस किया है कि जब संसद में तानाशाही इस तरीके से चलेगी तो पूरे देश के आम आदमी का क्या हाल होगा। आज बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान ना जाए, इन पर संसद में चर्चा ना हो, इन सब चीजों को ना उठाया जाए, इन सब बातों को लेकर के इस तरीके की कार्रवाइयां की गई हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र गांव से लेकर के संसद तक सब चुने हुए लोग होते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का जो प्रयास मौजूदा सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस लोकतंत्र को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं इस देश की जनता किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। एक तो आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी, दूसरी तरफ अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतर करके लोग आंदोलन करेंगे, लोग इस सरकार को सत्ता में बैठने से मजबूर कर देंगे कि ये सरकार सत्ता में ना रहे। जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रहरी हैं ऐसे लोगों को देश की बागडोर मिलना चाहिए जो लोकतंत्र को बहाल रख सके, लोकतंत्र को मजबूत रख सके। ज्ञापन के बाद क्या रणनीति है? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आज हम देश की सरकार को आगाह कर रहे हैं
कि अभी समय है और लोकतंत्र की बहाली के लिए आप कदम उठाइए। लोकतंत्र में तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं चलता है, लेकिन अगर सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया, लोकतंत्र की बहाली की ओर उनके कदम नहीं बढ़े, तो आने वाले समय में हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के सड़कों पर उतरेंगे और मौजूदा सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था रखना पड़ेगी और जो हमारा स्थान है दुनिया में वो उस स्थान को कायम करने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट होकर के लगेगी।